कुमादेवी में बिरसा मुंडा जयंती पर हुए आयोजन। बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती के अवसर पर परसवाड़ा क्षेत्र के कुमादेवी में जनजाति गौरव दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनजाति समुदाय के लोगों के द्वारा ग्राम भ्रमण करते हुए रैली के रूप में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल तक पहुंचकर बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पण किया गया। रैली के पश्चात मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम माँ सरस्वती के छायाचित्र एवं बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए समस्त आगंतुकों का फूलमाला के साथ स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने जनजाति गौरव दिवस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं प्रोजेक्टर के माध्यम से शहडोल में हो रहे आयोजन का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जहां पर देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा भी सांस्कृतिक पारंपरिक लोक नृत्य व लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष संबल सिंह दुर्वे, भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश्वर नागर, जनपद उपाध्यक्ष कांति रांगडाले, सांसद प्रतिनिधि तुलसीराम बघेले, विधायक प्रतिनिधि शिवदयाल एड़े, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अशोक कटरे सहित अन्य की मौजूदगी में कार्यक्रम का समापन किया गया। आज पलसवाड़ा विधानसभा के पलसवाड़ा ब्लॉक के ग्राम कुमादेवी में बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में संपूर्ण समाज एकत्रित होकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में यहाँ पर मनाया। आज हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का भी दिन है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, हमारे आदिवासी समाज की मध्य प्रदेश की धरती पर शहडोल में गौरव दिवस में शामिल होकर आज इस प्रदेश के लिए भी और इस पलसवाड़ा ब्लॉक के लिए भी, जहाँ पर पेशा कानून की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अब पेशा कानून लागू होने के बाद हमारे अपने ग्राम पंचायत में हमारे अपने ग्राम सभा को इतना अधिकार दे दिया गया है कि उस अधिकार के माध्यम से हम अपने ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। मैं आज के इस गौरव दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, आज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस क्षेत्र की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आज इस क्षेत्र के विकास के लिए नए नए हमने आयाम इस क्षेत्र में रचने का काम किया है। इस पेशा कानून से और ज़्यादा ताकतवर हमारी ग्राम पंचायत, हमारी ग्राम सभा और शक्तिशाली हमारी ग्राम सभा बनेगी। मैं सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हम सभी अपने बंधुओं से कहना चाहते हैं कि हम अपने समाज में रहते हैं, अपनी संस्कृति में, आज देखिए आदिवासी समाज के लोग जो अपनी संस्कृति है, कुछ अपने जो धोती पहनते हैं, हमारे जो साड़ियां पहनते हैं, अपनी संस्कृति के साड़ी पहन के आए थे। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हम अपने समाज में रहें, अपनी संस्कृति में रहें, अपनी संस्कृति को मिटाने का काम ना करें। अपनी संस्कृति है तो हम यहां पर जिंदा हैं, अगर संस्कृति नहीं है तो हम कुछ नहीं है। देश आज़ाद हुआ तब यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, देश आज़ाद नहीं था तो स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी। इसलिए हमारा अपना समाज जीवित रहे, हमारी अपनी संस्कृति जीवित रहे, ऐसा उनसे सब लोगों से अपील है मेरा। मैंने आपको पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आपने उद्बोधन भी सुना है, निश्चित रूप से ग्राम सभा को बहुत अधिकार मिला है और वो ग्राम सभा के माध्यम से हमारे उस ग्राम पंचायत को बहुत ताकतवर मजबूत बनाया गया है, जिससे हमारे स्वजाति सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। थैंक यू। परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत के साथ हर्ष पांडे।